जो पढ़ा है उसे जीना ही नहीं मुमकिन, जिंदगी को किताबों से अलग रखता हूँ, किसी ने कहा ऐसा और सही बात है, क्योंकि जो बुक्स में होता है प्रैक्टिकली हमेशा अप्लाई नहीं होता। जो प्रैक्टिकली हम चीज़ें देखते हैं कभी कभी बुक में नहीं होती। किताबें भी आखिरकार इंसान ही लिखता है और इंसान के अंदर अपनी वीकनेस होती है। और अगर दुनिया भर में लोग ये समझ लें और स्वीकार कर लें कि किताबें इंसान ही लिखता है, तो बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ठंड के टाइम में जो मुंह की या गले की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए एक घरेलू उपाय है, वो है तुलसी। सब लोग जानते हैं, पर एक्चुअली में वर्क कैसे करता है? इसके अंदर होता है जिंक और विटामिन सी और कुछ एरोमेटिक फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है। तो अगर आपको दांत में दर्द या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या बैड ब्रेथ वाली प्रॉब्लम हो, तो तुलसी मुंह में रख करके चबाइए। और गले में अगर सोर थ्रोट हो तो तुलसी को चाय में डाल के पी सकते हैं या तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हैं। साइंटिफिक बात यह है कि उसके अंदर जो जिंक होता है, जिंक हम लोग भी यूज़ करते हैं एलोपैथी में इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह। कोविड हुआ था तो उस टाइम बहुत था कि विटामिन सी और जिंक की टैबलेट्स आप खाइए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, बहुत सारे वायरस से आप बचेंगे। तो जो बहुत सारी पुरानी रेमेडीज हैं हमारी, एलोपैथी की बुक्स में नहीं है, पर वो काम करती है और बहुत हज़ारों साल से टेस्टेड है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी होती है, तो पुरानी किताबें झाड़ो तो वो कुछ डस्ट निकलती है, छींक आने लगती है। ये क्या चीज़ होती है, ये कौन सी बीमारी है? इसे बोलते हैं डस्ट माइट। एक बहुत छोटा सा कीटाणु होता है जो किताबों में रहता है, जब झाड़ते हैं वो एयर बॉर्न हो जाता है और फिर जब अंदर जाता है तो उससे एलर्जी। डस्ट से एलर्जी बहुत सारे लोगों होती है, वो डस्ट से नहीं होती, एक्चुअली डस्ट माइट से होती है। पर ऐसे ज़्यादा लोग एटॉपिक होते हैं, मतलब आप उनका टोटल आई जी लेवल चेक कराइए तो आपको पता चल जाएगा कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस वाले लोग। उनको पहले से लंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अस्थमा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी होता है। जो डस्ट माइट होता है वो उससे अलग है, जिसको किताबी कीड़ा बोलते हैं वो नहीं है। वो सिल्वर फिश होती है, छोटी सी, कभी कभी दिखती है पुरानी किताबों में, सिल्वर कलर का एक इंसेक्ट होता है, चलते हुए दिखता है। देखा है कभी? नहीं, बहुत पुरानी किताबें करेंगे तो उसमें दिखेगा। और फिर बहुत पुरानी किताबों में छोटे छोटे छेद भी आते हैं, कि वो जो बना होता है जिस चीज़ से, वो सेलुलोज है, वो खा करके वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, किताबें खा जाता है किताबी कीड़ा। तो जो ज़्यादा पढ़ता रहता है किताबों में उसको हम लोग बोलते हैं किताबी कीड़ा, सिल्वर फिश बोलते हैं उसको। जब बिजी होती है उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब छींक आती रहती है बहुत। और विंटर्स में लोगों को ज़्यादा होती है, वैसे सीजनल हर सीजन में होती है, कुछ सीजनल टेंडेंसी भी है। तो उसके लिए बहुत इजी मेडिसिन है, एक टैबलेट इबास्टिन लीजिए रोज सुबह। और अगर आपको इवनिंग में इस तरह का अटैक पड़ता है, इवनिंग लीजिए, जिस टाइम होता है उस टाइम तो एलर्जी का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है ब्लड में। फिर आप उसको लेते रहिए थोड़े टाइम तक, फिर स्टॉप कर देखिए, चीज़ें नॉर्मल होकर ठीक है। नहीं तो कुछ लोगों को यह छींक की प्रॉब्लम इतने लंबे टाइम तक रहती है कि लगातार खानी पड़ती है। बहुत से लोगों को जो ऐसे कहते हैं ना सुबह चाय से एडिक्शन, वो चाय से नहीं होता, शुगर से होता है। क्योंकि जो 12 घंटे हम सो रहे होते हैं या 10 घंटे, तो उस दौरान शुगर के लेवल धीरे धीरे ड्रॉप हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। और ये शुगर क्रेविंग और भी तरह की होती है, बहुत से लोगों होती है। जब भी ब्लड में शुगर का लेवल डाउन होगा, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है वो एक्टिवेट होता है, वो कहता है कुछ खाओ। और कुछ लोगों में ये चीज़ शुगर क्रेविंग के रूप में होती है, शुगर एडिक्शन होता है कि कुछ ना कुछ मीठा खाना है। तुम्हें होता है? नहीं। किसी किसी को होता है, फिर वो मीठा खाए बिना रह नहीं सकते, उस समय एकदम वो हो जाते हैं क्रेजी टाइप के। मुझे एक चॉकलेट का ऐड नहीं आता है जिसमें फ्रेंड्स होते हैं तो हीरोइन बन जाता है एक लड़का, बिल्कुल वैसा वाला एडिक्शन। अतवार को भी बैठते हैं, सोमवार को भी बैठते हैं। अच्छा, कल बैठी हो ना? कल बंदी नहीं है, खुला है। अच्छा, डॉक्टर साहब मतलब ये पूछा कि खुला रे बैठी है ना? बस उतने। हाँ हाँ, बैठेंगे 1 बजे तक रहेंगे।
एके बजे तक। हाँ तो सोमवार के भर्ती नहीं है ना, सोमवार को परसों? नहीं, सोमवार को भी वही सेम टाइम है, एक ही बजे तक रहेंगे। का है यही समय ही है, एक बजे बैठे ना, उठ जाना का एक बजे से। हाँ अच्छा ठीक है, सोमवार के तब हम आए। हाँ आ जाइएगा, सुबह सुबह निकलेंगी तो पहुँच जाएंगी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बिहार से बोला था, वहाँ नहीं है बाबू से। अच्छा ठीक है। हाँ दवाई लिए रही तो हम तो कुछ घर पकड़ा बोला तो परेशानी हो गई। ठीक बा ठीक ठीक सोमवार के। हाँ सोमवार को।